अज का दिन सिख इतिहास में बहुत अहमियत रखता है। 25 मार्च 1745 सिख समाज के बहुत वड्डी घटना वापरी जिन्हों सिख अरदास शामिल किया चरखड़ियां ते चढ़े। तुसी सब जानते हो कि 25 मार्च 1745 शहीद भाई सुबेग सिंह उन्हां दा पुत्र शहीद भाई शाहबाज सिंह चरखड़ी ते चाढ़ के जहिया खां अते होर लखपत राय वर्गियां ने शहीद कर दिता सी लाहौर दरबार दे विच। ये कौन सन, इन्हां दी की कुरबानी सी, तुसी सब ये भी जानते हो कि सिखां ने दे पहले राजा बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिख राज जिहड़ा 6 साल किया 1709 तो लैके 1716 तक, तो इस राज दे विच उन्होंने अपनी राजधानी भी मुखलसगढ़ बनाई सी, नानकशाही गोबिंदशाही सिक्के भी चलाए सन, मोर बनाई सी, प्लस खालसाई नीला झंडा रखिया सी, ते नाल दे नाल ही जिहड़ा नानकशाही कैलेंडर भी जारी किया सी। सिखां ने राज करके एक बहुत दूर तक अपनी सल्तनत कायम कर ली सी। लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत तो बाद फिर जिहड़ा ही सिखां दे विच काफ़ी माहौल खराब रहा, ते तुसीं सब जाणदे हो सिखां मुड़ के जंगलां च भी रहन लग पए, ते बहुत गिनती पंजाब च सिख रहिंदे सन, खास करके तरन तारन वाली बेल्ट दे विच, अमृतसर तरन तारन वाली, ते इत्थे सिखां दा बहुत जोर सी, ते लाहौर भी बिल्कुल इहदे नाल सी। फिर लाहौर दे विच जकरिया खां जिहड़ा कि 1733 नूं राज कर रहा सी, सूबेदार सी 1733 तक, ते 1733 तक जदों सूबेदार सी उहने दिल्ली सरकार नूं कहा कि आपां सिखां दे नाल समझौता कर लईए, ते सिखां नूं एक नवाबी दे दईए ते इहनां नूं एक जगीर दे दईए। कहा जांदा कि नवाबी ते जगीर जिहड़ी सी 1 लख रुपये दा उदों रकम जिहड़ी उह इकट्ठी हो जा करदी सी, इलाका दित्ता जाणा सी, ते जदों इह नवाबियां देण लई जिम्मेवारी लाई गई तां उदों भाई साह सुबेग सिंह अते भाई शाहबाज सिंह दी लाई गई। सुबेग सिंह जिहड़े सन उस शहीद भाई शाहबाज सिंह दे फादर सन, ते तुहानूं इह वी पता कि इन्हां दा पिंड जिहड़ा सी उह लाहौर दे बिल्कुल नज़दीक सी, बंजर पिंड, ते भागा इन्हां दे पिता दा नां सी भागा राय जी, जां श्री भागा राय जी भी कह दईए, जां हो सकदा कि उन्हां दा नां पूरा भाग सिंह होवे ते नाल राय लगदा होवे, ते इह मतलब इदां दी वी गल हो सकदी है। जे मेरे भैण भरावां कोल पूरी जानकारी होवे तां जरूर दस्सण कि की इहदे विच कोई वाधा घाटा अखर सी। ते तुहानूं इह वी पता कि इह दोनों जाणे ही प्यो पुत्तर दोनों ही जकरिया खां दे दरबार च नौकरी करदे सी। हुण सवाल खड़ा हुंदा कि नौकरी किदां करदे सी, क्योंकि भाई सुबेग सिंह अरबी अते फारसी भाषा दे बहुत वड्डे विद्वान सन, ते कहा जांदा कि ये वड्डे जिदा आप कह दिए कि एक चंगी पोस्ट उपर सन, कोतवाल की जॉब भी इन्हों को हैगी सी, बेशक उत्थे नौकरी भी करते सी लेकिन अपने धर्म नाल पक्के सन। इत्थे एक गल ये भी ध्यान देने वाली है कि जकरिया खां ने उन्होंने धक्का नहीं किया कि तुसी सिख सिख हो ते तुसी कोई धर्म बदल लवो, उस समय तक जदों तक शहीद भाई सुबेग सिंह जी उत्थे नौकरी करते सन। तुहानूं इह वी पता कि 1745 दे विच जकरिया खां की मौत होंदी आ, ते इहदों बाद जिहड़ी घटना वापरदी, ये घटना जो भाव कि जदों नवाबी देण की गल कही गई, तो तुसीं सब जानते हो कि नवाब कपूर सिंह उन्हां ने इन्हां नूं पैर की जिदा कहिंदे कि अपनी पैर की जुत्ती की नोक ते रखदे ने, ते इन्हां ने रद्द कर दिता कि सानूं तेरी नवाबी नहीं चाहीदी, सानू तेरी जगीर नहीं चाहिए, जो साड़ी होगी तो असं आपे लै लवेंगे, इदा दे सिख सन। फिर कहा जाता कि जो जकरिया खां की मौत होंगी आ, तो मौत तो बाद उहदा पुत्र यहिया खां, जाने कि उहदा पुत्र यहिया खां गद्दी ते बैठदा दुबारा लाहौर दी, तां फिर तुसीं इह वी जाणदे हो कि इस समय जिक छोटा घल्लूघारा होया जां कहनूवाल की सांभ च, वह क्यों होया सी, तुसीं इह वी जाणदे हो कि लखपत राय ते जसपत राय कारण। फिर लखपत राय वर्गियां बंदियां ने भाई शहीद भाई सुबेग सिंह शहीद भाई शाहबाज सिंह के खिलाफ दरखास्तां देनियां शुरू कर दित्तियां कि सिखां दी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ये सिखां दा बड़ा पक्ष पूरते हैं, क्योंकि सिखां दी वह मदद करते भी सन, ते सिख धर्म के प्रति उन्होंने बहुत वड्डियां सेवावां भी निभाईआं सन। फिर कहा जाता कि यहिया खां ने जिहड़ा सी ते कुछ इहोजिहां दरखास्तां मिलियां कि उन्होंने कहा कि तुसीं आ शाहबाज सिंह नूं जिहड़ा कि तू अपना जां धर्म बदल ला जां तैनूं असीं शहीद कर देवांगे। कहा जाता कि शाहबाज सिंह नूं भी चटकड़ी ते शहीद कर दिता गया, ते नाल ही शहीद भाई सुबेग सिंह नूं भी शहीद कर दिता गया, तां जिहदे नाल अज सिख जिहड़े ने उन्हां नूं बड़ी श्रद्धा भावना याद करदे, मैं भी करदा तुसीं भी करदे हो, इस करके 25 मार्च 1745 का दिन सिख इतिहास बहुत अहमियत रखता है, जो इतिहास के पन्नियां च लिखा गया हरेक सिख का फर्ज बनता कि जहे योधिया नूं ते जिहड़ी आ शक्ति प्राप्त करते रहन, ते करते रहनगे ते करते रहे आ,
ते गां ही करते रहेंगे जो एक सिखा लिए एक बहुत वड्डा चानन मुनारा है अपने शहीद इसे करके अज 25 मार्च के दिन हरेक सिख उन्होंने श्रद्धा भावना के फुल भेट करता मैं भी करदा ते तुसीं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।